क्या बात है बच्चों? साईं, अभी अभी तो हमने खेलना ही शुरू किया था और हमारी गिल्ली खो गई। अब हम खेलेंगे कैसे? नई गिल्ली से मैं अभी बना के देता हूँ। आओ बैठो। बच्चों, ये क्या दौड़ने भागने वाले खेल खेलते रहते हो? खेल वो खेलो जिससे कोई सीख मिले। रानू जी काका, सीखने के लिए तो हम पढ़ते हैं ना, और मनोरंजन के लिए खेलते हैं। भला खेल भी कोई सीखने के लिए खेलता है, क्यों साईं? जीवन का हर लम्हा, हर पल, हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है। मगर हम हैं जो सीखते ही नहीं, क्योंकि सीखने का माध्यम हम केवल शिक्षा को, पढ़ाई को मानने लगे हैं। ध्यान कहाँ है तेरा? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आई हूं तेरी, तेरा दर्द समझती हूं। चल, बहुत हो गया तेरा गुस्सा, आके बैठ इधर। चल, तेरा दिमाग शांत कर देती हूं, आ बैठ। क्यों खुद पे जुल्म कर रहा है? तू जानता है ना, तुझे तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। और फिर सुशीला को उसकी गलती की सजा दी ना तूने, अब गुस्सा करके क्या फायदा? काना, अपने गुस्से पे काबू रख। आप ठीक कह रही आई, मैं अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करूंगा। अब मैं काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। शाबाश बेटा, मैं तेरे लिए खाना बांध देती हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि ये गिली डंडा भी हमें कुछ सिखा सकता है? जब हम गिल्ली को डंडे से मारते हैं तो ये जितना ऊपर जाती है उतना ही नीचे आती है। माफ करिएगा साईं, लेकिन इसमें सीख क्या है? गिल्ली हमारे कर्मों की तरह है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलता है। हमें वही प्राप्ति होती है
जैसी हमारी भावना होती है, मतलब जो दूसरों को दर्द दोगे तो बदले में दर्द ही मिलेगा, सुख दोगे तो सुख पाओगे, किसी को दुख दोगे तो खुद को भी उतना ही दुख मिलेगा। बिल्कुल खेल की तरह। यहाँ खड़े क्या कर रही है? सुनो, कान्होजी काम ढूंढने जा रहा है, उसे खाना बांध के दो। बनाया है ना खाना? या खुद को नहीं मिल रहा है तो अपनी तरह हमें भी उपवास पे रखेगी? बनाया है, अभी लाती हूँ। सिर्फ डिब्बा लेकर चली गई, अब थैली में डालकर नहीं लाएगी। थैली कहाँ रखी? कहाँ है थैली? आई, वो मैं थैली में डब्बा डाल कर ले आई। पालनहार है संसार, आपको पूछता है, सबकी रक्षा आप करते हैं, और इस घर में मुझे आपकी रक्षा करनी पड़ती है, छुपा कर रखना पड़ता है मुझे आपको। क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप मेरी मजबूरी जानते हैं, क्योंकि आप उस शनवाद थे। आप तो जानते हैं ना कि उस दिन क्या हुआ था। कितनी बार बोला है कि मेरे घर में कृष्ण की मूर्ति नहीं चाहिए? वो आज जन्माष्टमी है इसलिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे घर में कृष्ण की मूर्ति नहीं आनी चाहिए तो नहीं आनी चाहिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। देखिए, मैंने आपकी हर बात मानी है, इजाजत दे दीजिए कि मैं अपने आराध्य की पूजा कर सकूं। मुझे कृष्ण की पूजा करने से मत रोक। तुम्हें पूजा करने से नहीं रोक रहा हूं मैं, जिसकी पूजा करनी है करो, लेकिन कृष्ण की पूजा नहीं कर सकती। कितनी बार कहा है ना तुमसे, समझते क्यों नहीं?
अच्छा अब समझा, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो मुझे नीचा दिखाने के लिए, है ना? एक ये कृष्ण है जिसे सब मनमोहन कहते हैं, और एक मैं हूं कान्हो जी, नाम एक है लेकिन सब मेरा मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे कारण। तुम्हें देखने के बाद सब मेरी तुलना लंगूर से करते हैं, लंगूर के हाथ हूर लगी ये कहते हैं। हो सकता है कि तुम्हें भी पछतावा होता हो, औरों की तरह तुम भी सोच रही होगी। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं, और क्या। अरे कृष्ण जैसे खूबसूरत भगवान की पूजा करना तुम्हारे अंदर की लालसा को दर्शाता है। मेरे मना करने के बाद भी तुम कृष्ण की मूर्ति लेकर आई, पूजा कर रही हो, इससे स्पष्ट है कि तुम भी परोक्ष रूप से मुझे ताना दे रही हो। बाहर तो मैं सह लेता हूं लेकिन अपने घर के अंदर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए तुम अभी यह फैसला कर लो, इस घर में या तो तुम रहोगी या ये कृष्ण। सोच लो। पालनहार, किस जन्म की सजा भुगत रही हूं मैं? मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन की इस परीक्षा का अंत कब होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि सिर्फ आप ही मेरे इस दुख को दूर कर सकते हैं। मैंने हमेशा आप पर ही विश्वास किया है, आपको मेरा उद्धार करना ही होगा, चाहे जैसे करे, करना तो आपको ही है। ये लो, गिल्ली तैयार है। साईं, आप भी हमारे साथ चलिए ना, बहुत दिन हो गए आपने हमारे साथ गिल्ली डंडा नहीं खेला। बच्चों, साईं तुम्हारे साथ गिल्ली डंडा कैसे खेलेंगे, ये उनकी उम्र है क्या? राणू जी, सीखने की तरह हंसने खेलने की भी कोई उम्र नहीं होती, और फिर बच्चों का दिल मैं कैसे दुखा सकता हूं। लेकिन बच्चों, थोड़ा रुकना पड़ेगा, किसी का इंतजार है मुझे। वो पक्षी, उसने आपको ये मोरपंख क्यों दिया? इससे पहले भी आपको एक बार एक मोरपंख मिला था, जब काका महाजनी के बेटे दयाराम को आपकी मदद की जरूरत थी। साईं, इस बार आप किसकी मदद करने वाले हैं? साईं के क्या है काम?
जान पाए ओम साई ओम। चलो बच्चों खेलने चले। डर क्यों रही हो? तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है तुम्हें सजा देना? तुमसे ही बात करने के लिए अंदर आया हूं क्योंकि तुम्हें उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन तुम हरकतें ही ऐसी करती हो कि मैं मजबूर हो जाता हूं। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है कि लोग मुझे ताना मारे, मेरा मजाक उड़ाए? फिसलने वाला था। संभल के आई। काम की तलाश में बाहर जा रहा हूं मैं, तुम घर में ही रहना। आई की बात मानना, उसका ख्याल रखना और ज्यादा किसी से घुलने मिलने, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? साई बाबा यहां रहते हैं इस खंडहर में? अंदर तो नहीं है, फिर कहां मिलेंगे वो? वाओ, बता सकते हो साई बाबा कहां मिलेंगे? साई बाबा वो तो बच्चों के साथ मैदान में खेल रहे हैं। शुक्रिया।
मैंने तो साईं के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि साईं महाज्ञानी है, चमत्कार करते हैं, सबकी मदद करते हैं, पर ये फकीर तो बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। कहीं यहाँ आकर मैंने अपना समय बर्बाद तो नहीं कर दिया? प्रहलाद, गिल्ली मारने से पहले अपने आसपास देखना बहुत जरूरी है ताकि किसी को चोट ना लगे। माफ कर दीजिए, गलती से आपको लग गई। गलती से? गलती नहीं, तुम्हारी मूर्खता से। अरे ये कोई खेलने की जगह है? और मेरे सर से खून बह रहा है, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द क्या होता है बताऊं तुम्हें? रुक जाइए, गलती हुई है इनसे, माफ कर दीजिए। तो इनको शायद देने वाले आप हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने चोट पहुंचाई है मुझे। और इन्हें पछतावा भी है अपने किए पे। इनकी तरफ से मैं भी आपसे माफी मांगता हूं। माफी मांग लेने से मेरी चोट ठीक हो जाएगी? हो जाएगी। आप आइए मेरे साथ, मैं लेप लगा देता हूं। मेरे अनुमान से चोट हल्की है, जरा मुझे देखने दीजिए।